ये वही है जो आपका सच्चा प्यार है। आप जान ही लो कि वह कौन है जो आपके लिए बिल्कुल सही है और जिसके साथ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज आपको इस वीडियो को देखने में बहुत मजा आएगा। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते कि क्या यह हमारे लिए सही है या नहीं। कुछ समझ नहीं आता हमें और तब हम यूनिवर्स से उनकी सहायता मांगते हैं कि कृपया करके यूनिवर्स हमारा मार्गदर्शन करिए और हमें कुछ ऐसे संकेत भेजिए कि हम यह समझ पाए कि यह सामने वाला इंसान हमारे लिए पूरी तरह से सही है या नहीं। और तब यूनिवर्स हमारी सहायता करते भी हैं, हमें कई तरह के संकेत भेजते हैं यह बताने के लिए कि यह इंसान सही है या नहीं। तो इससे बच के रहो, लेकिन हम कई बार उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और हम यह सोचने लग जाते हैं कि बार बार हमें यह संकेत क्यों मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या यह इंसान सही है मेरे लिए। तो कुछ ऐसे ही बातों के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वह कौन है जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो सबसे पहले यह है कि जब यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि यह सामने वाला इंसान आपका सच्चा प्यार है और आपके लिए पूरी तरह से सही है, तब वह बार बार आपको इस तरह के संकेत या इस तरह के संदेश आपको दिखाएंगे कि हाँ यह आपके लिए सही है या ये आपके लिए राइट वन है। और यह संकेत आपको पूरे दिन में कई बार मिलते रहते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पर यह संकेत आपको दिखाई देते रहते हैं। पर आप याद रखिए, यदि पूरे दिन में आपको इस तरह से संकेत 4 से 5 बार दिखाई दे रहे हैं तो यह और कुछ नहीं, यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि आपकी इच्छा को पूरी तरह से मंजूर कर ली गई है और यही इंसान आपका सच्चा प्यार है। यही बात को आपको बताने के लिए यूनिवर्स आपको बार बार इस तरह के संकेत भेजते रहते हैं। अब हमारा दूसरा संकेत, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे तो उस इंसान से बात करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, आपको अपने भीतर एक खुशी सी महसूस होगी, आपको बहुत ही सुकून महसूस होगा, अपने भीतर सुकून महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे इस इंसान से बात करके मुझे इतना अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, जब भी मैं इस इंसान से बात करता हूँ मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। जब आप उस इंसान से बात करते हो तब आप अपने भीतर एक अच्छी ऊर्जा को महसूस कर पाते हो। यदि ऐसा आप किसी इंसान से बात करने के बाद महसूस कर पा रहे हो, मतलब आपको उस इंसान से बात करने के बाद एक
हमारा प्यार है। कई बार जब हम जानना चाहते हैं कि कोई सामने वाला इंसान हमारे लिए सही है या नहीं, तब यह चीज हमसे सबसे महत्वपूर्ण रखती है, जांचने के लिए कि क्या आप उस इंसान से बात करते हो तो आपको अपने भीतर सुकून की अनुभूति होती है, आपको खुशी महसूस होती है या नहीं। क्योंकि कई बार हमें खुशी तो महसूस हो जाती है, लेकिन कई बार हमें सुकून महसूस नहीं होता। अगर यह सुकून के साथ आपको अपने भीतर एक खुशी वाली भावना भी महसूस हो रही है, तो समझ जाना वह सामने वाला इंसान आपका सच्चा प्यार है। अब हमारा तीसरा संकेत, और यह बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। कई बार आपको कारण की आवश्यकता नहीं होगी, किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी मौके पर आप दोनों एक दूसरे से जुड़ ही जाते हैं। चाहे कितने भी दिन आप दोनों एक दूसरे बात ना करो, लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं उस इंसान का ख्याल होता है, और किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कारण से आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो। आप दोनों की बातचीत आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं होगा कि वह सामने वाला इंसान बात नहीं कर रहा, उसका मन नहीं कर रहा, मतलब आप दोनों बहुत ही अच्छे से घंटों घंटे बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी नहीं चल रही है, यहाँ पर परमपिता परमेश्वर की शक्ति चल रही है, यहाँ पर यूनिवर्स की योजनाएं चल रही है आप दोनों को एक दूसरे के और पास लाने की, आप दोनों को एक दूसरे के जोड़ने की। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, यह छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बार बार हो रही है, जो आपको बहुत ही अच्छा अपने भीतर अच्छा महसूस करा रही है, तो समझ जाना कि यह वही इंसान है जो आपका सच्चा प्यार है।